हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। आज हम 6 चैप्टर को कवर करेंगे। बेसिक बॉडिस ब्लॉक की ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत है। सिंपल पेपर, स्केल, पेन। आप ये पेपर भी ले सकते हैं अगर आपको न्यू बॉर्न का ड्राफ्टिंग करनी। इसका साइज हमारे पास आ रहा है 11.5 इंच। न्यू बॉर्न बेबी की अगर आपको ड्रेसेस बनानी है तो उसके लिए ये पेपर बिल्कुल ठीक होता है। ये A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बड़े साइज़ का, जैसे 1 ईयर या 2 ईयर या इससे ज़्यादा बड़े बच्चों की ड्राफ्टिंग करनी है ड्रेसेस की, तो उसके लिए आप ये पेपर ट्राई करें। ये पेपर इन बजट भी होता है और बहुत संभालने में भी आसान होता है। अगर इसमें ये आपको क्रीज नज़र आ रही है, ये आप इजीली प्रेस करेंगे तो ये सब फाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर आप इस तरह के सब पैटर्न्स को जमा करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा कि एक पैटर्न बनाएंगे उसके ऊपर आप बेशुमार ड्रेसेस को कट कर सकते हैं और इजीली सी सकते हैं, जिसके बारे में अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी। आज की वीडियो स्पेसिफिकली हमारी ड्राफ्टिंग पे है, क्योंकि जब हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे, एक ड्राफ्ट अपने पास तैयार कर लेंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी जब भी हमें किसी भी साइज़ की ड्रेस को बनाना होगा। हम इजीली उसका पैटर्न फैब्रिक पर पुट करेंगे और उसकी कटिंग करके उसको सी लेंगे। हमें बार बार मेजरमेंट्स को नहीं लेना होगा, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। हमें एक ही बार बस पैटर्न को उसके ऊपर पुट करना है और उसको कट कर देना है। अभी सबसे पहले हम बेबी शर्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और ये मैं आपको सारी मेजरमेंट्स बताऊँगी 1 ईयर के बेबी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसे इस तरह 2 फोल्ड्स में रखना है, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ साथ साथ इसकी मेजरमेंट। इसमें क्या होगा कि इससे आपका फैब्रिक बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप जब भी पैटर्न को पुट करेंगे फैब्रिक पे, तो आप उतना ही रखेंगे उसको, फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करेंगे जितना आपको चाहिए। आप पूरा फैब्रिक फोल्ड नहीं करेंगे। हमने जो मेजरमेंट्स ली थी, जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, उसमें हमने शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, बॉटम विड्थ और टोटल लेंथ, इनको हमने डिस्कस किया था। अभी वही मेजरमेंट्स को किस तरह आपने इस पर पुट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शोल्डर हम लेंगे 9 इंचेस का, तो 9 इंचेस को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। शोल्डर मेजरमेंट को हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं, इस पॉइंट को आप नोट करें। 9 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, या आप 9 को 9 का हाफ कर लेंगे, ये इंचेस टेप को आपने 9 पे रख लिया, ठीक है। इसका हाफ देखें हमारे पास क्या आया, दैट इज़ 4.5 इंच, ओके। 4.5 को हमें यहाँ पुट करना है। ओके, अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। अभी आपने 4.5 इंच का शोल्डर लिया, अब 4.5 इंच का ही आप आर्म होल ले लें। यहाँ आपको जस्ट डॉट लगाना है अभी, क्योंकि यहाँ से आप दोबारा मेजर करें 4.5 इंचेस। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लें, ओके। अभी आपने, अब हम इसी पॉइंट से स्ट्रेट लेंथ लेंगे शर्ट की। ये हम 1 ईयर बेबी का बना रहे हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है वो 14 to 15 इंचेस है। हम 15 इंचेस लेंगे। इसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना, जैसा कि हमने पैटर्न मेकिंग के चैप्टर में पढ़ा था। आपने पैटर्न को फुल फ्लेज अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स बनाना है, आपने इसमें कुछ मार्जिन वगैरह नहीं रखना है। ये 15 इंचेस ये हमारी टोटल लेंथ होगी शर्ट की, ठीक है। अब इसकी हमें चेस्ट लेनी है। चेस्ट मेजरमेंट आप यहाँ लेंगे, ठीक है। ये हमने 4.5 लिया था। अच्छा, यहाँ एक और बात आप ज़रूर याद रखें कि आर्म होल जो है वो ये आप समझ लें स्टैंडर्ड है।
अगर आप थिन बेबी का बना रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बहुत बड़ा होता है, अगर स्लीवलेस आप बना रहे हैं या वो स्लीव्स भी बना रहे हैं तब भी ये बहुत खुला बुरा लगता है। हेल्दी बेबी का बनाना है तब आप इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा कमी बेशी इसमें मत करें, क्योंकि वो फिर एक साइज़ अगर आप हाफ इंच से ज़्यादा इसमें कुछ ऐड या माइनस करते हैं तो वो पूरे एक साइज़ का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। इस पॉइंट पे आपको चेस्ट लेनी है, यहाँ मैं ये चेस्ट ले रही हूँ 5.5 इंच। चेस्ट को आपने, जो हमने चेस्ट राउंड लिया था उसको 4 पे डिवाइड करना है, दैट्स इट। उसमें कुछ ऐड नहीं करना आपको। हमारे मेजरमेंट 20 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5.5 इंचेस। हमने यहाँ पर 5.5 इंचेस का मार्क लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास अब एक लाइन बन गई। जितनी आपने चेस्ट ली है उसका हाफ इंच बढ़ा के आप इसकी विड्थ ले लें तो वो आ जाएगी 6 इंचेस। ठीक है, यहाँ आपको इसे कर्व देना है, आप यहाँ पर हाफ इंच का कर्व दे दें या फ्री हैंड से भी दे सकते हैं और किसी राउंड ऑब्जेक्ट से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ का भी एक फॉर्मूला है जो कि बच्चों से लेके एडल्ट साइज हर साइज में यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, और वो ये है कि चेस्ट को, चेस्ट की जो मेजरमेंट है जो कि यहाँ पे हमारी 22 इंचेस थी, उसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, वो आपकी नेक विड्थ निकल आएगी जो कि हमारी है 1.8 इंचेस। तो इंचेस टेप पे आपको ये इतना क्लियर फील नहीं होगा, स्केल पे अगर हम देखें तो ये ज़्यादा क्लियर आपको पता चल जाएगा। ये देखें, यहाँ से यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.8 पे हमने मार्क कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारी नेक विड्थ निकल आई। अब हमें यहाँ से डाउन 2 इंचेस लेना है, 2 इंचेस यहाँ भी मार्क कर देंगे हम। ये हमारी फ्रंट नेक डेप्थ हो गई। ठीक है, ये हम 0.75 इंच लेंगे। दैट्स इट। अब यहाँ आपको किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट से इसको राउंड कर लेना है। ठीक है, आप सीडी ले लें या कोई किसी बोतल का ढक्कन ले लें या इवन हैंगर भी आपके काम आएगा। ये देखें, आप इजीली इससे भी राउंड शेप्स बना सकती हैं। ये देखें, यानी कि किसी भी चीज़ को आप अवेल कर सकते हैं ईज़िली। अब हमारा ये देखें पैटर्न बिल्कुल तैयार हो गया। हमें यहाँ पर अब स्लोप रखनी है, यहाँ हम स्लोप लेंगे हाफ इंच की, ये के दो पीसेज होते हैं। ये हमारा फ्रंट पीस रेडी हो गया। ठीक है, अब एक बैक पीस भी चाहिए, लेकिन हमें इसी पैटर्न पर फ्रंट और बैक दोनों को कट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये बैक नेक को कट किया, जस्ट शोल्डर स्लोप, आर्म होल और साइड एंड शर्ट लेंथ। ठीक है, अब हमें इसे ओपन करना है और जस्ट इस नेक को कट करना है। वेरी केयरफुली ना, क्योंकि ये आपकी फ्रंट नेक होगी और यहाँ से आपको सेंटर से इसे कट करना है, लाइक दिस। ठीक है, अब एक ही पैटर्न पे आपका फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स रेडी हो गए हैं। आपको अलग अलग पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका पैटर्न रेडी है। अब इसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है उसको बहुत केयरफुली आप देख लें। इस लाइन को, ये चेस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ आप लिख लेंगे
चेस्ट 22 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे 1 ईयर। अब ऐसा क्या होता है कि नॉर्मली कभी 2 ईयर बेबी भी हेल्थ वाइज ऐसे होते हैं कि उनकी चेस्ट 22 होती है, 3 ईयर ओल्ड बेबी भी जो थिन होते हैं उनकी भी चेस्ट 22 होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपर बॉडी की यही मेजरमेंट रखनी है सारी, शोल्डर भी यही रखना है, नेक, आर्म होल, चेस्ट, ठीक है। उसमें जस्ट लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अगर उनका बॉडी साइज़ नहीं भी बढ़ता तो लेंथ हर बेबी की ईयर टू ईयर बढ़ती है। तो जब हम पैटर्न ग्रेडिंग करते हैं, पैटर्न ग्रेडिंग के बारे में मैंने आपको पैटर्न मेकिंग के क्लास में बताया था, अगर आपने वो क्लास मिस की है तो आप ज़रूर उसे जाके देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी और प्लेलिस्ट में भी वो इजीली आपको मिल जाएगी। पैटर्न ग्रेडिंग में हमने हर पैटर्न को ईयर के साथ बढ़ाना है, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है कि जब आपको चेस्ट अगर कुछ ज़्यादा चाहिए आप यही पैटर्न यूज़ करेंगी और उसमें आप 1 इंच बढ़ा देंगी, ठीक है। आपको आर्म होल अगर बढ़ाना है तो आप यही आर्म होल रखेंगी और 1 इंच बढ़ा देंगी। बार बार आपको शेप मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिक पैटर्न जो बॉडीज ब्लॉक का होता है वो जस्ट वेस्ट तक होता है, ठीक है। 1 ईयर बेबी की वेस्ट लाइन हमारे पास आती है 7 इंचेस पे, ठीक है। 7 इंचेस जो होती है ये इनकी वेस्ट लाइन है। अब इस वेस्ट लाइन का हमारे पास क्या काम है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये वेस्ट इसलिए इसका काम ये है कि नॉर्मल पैटर्न्स को यहाँ तक मैयर किया जा, यहाँ तक बनाया जाता है, क्योंकि ये बेबीज़ की बॉडी स्लोपर भी हैं। पहले आप बेसिक स्लोपर अगर बनाएंगी तो यहाँ तक आपको इसको कट कर देना है, ठीक है। आपने फर्स्ट कर लेना है कि ये आपका बस यहाँ तक स्लोपर रेडी है, बस यहाँ तक, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी ड्रॉ करना है, चाहे आपको ए लाइन शर्ट बनानी है, चाहे आपको फ्रॉक्स बनाने हैं बेबीज़ के, आपको जस्ट इतने पार्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। और नीचे आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग इजीली कर लेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक कमीज़ का पैटर्न तैयार रखना है तो आपने जस्ट इसको पेपर पे, फैब्रिक पे पुट करना है और हर जगह से मार्जिन फैब्रिक में देने हैं, पैटर्न में बिल्कुल नहीं देने हैं, ओके। ये आपका कमीज़ का पैटर्न बिल्कुल रेडी है।